सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। वैसे तो जब से राजपुरा में विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोजी ने सरकार बनने के बाद राजपुरा शहर में विकास कार्यों की जड़ी लगाकर रख दी है और रोजाना ही लाखों रुपए के कामों की शुरुआत कर राजपुरा शहर को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के दिशा निर्देशों पर नगर कौंसिल में काम कर रही उनकी टीम, जिसमें चाहे कुछ दिनों के बाद प्रधान पद पर बैठने वाले श्री नरेंद्र शास्त्री हों या इस समय दिन रात एक करने वाले उप प्रधान अमनदीप सिंह नागी व नगर कौंसिल के मौजूदा ईओ श्री चेतन शर्मा, इन्हें कहीं से भी कोई शिकायत, जिसमें चाहे सफाई संबंधी या फिर कहीं नजायज कब्जा हो रहा हो, उस पर तुरंत कार्रवाई कर उक्त तीनों ही अपनी ईमानदारी का सबूत देते हैं। इसी के चलते इन तीनों ही नगर कौंसिल के प्रबंधकों के ध्यान में आज News89 एक बात लाने जा रहा है, शायद इससे पहले इस और किसी का ध्यान नहीं गया होगा। हम बात कर रहे हैं शहर की दीवारों की, जिसमें चाहे वो सरकारी इमारत की दीवार हो या फिर किसी प्राइवेट दफ्तर या मकान की, लोगों ने अपनी दुकान, शिक्षित संस्थाओं या फिर झंडा ग्राउंड में लगे ट्रेड फेयर के इश्तेहारों से शहर की सभी दीवारों को बुरी तरह से गंदा करके रख दिया है। इन दीवारों पर एक ही इश्तेहार के 10-10 पोस्टर लगे हुए आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो शहर की सुंदरता को अंगूठा दिखा रहे हैं। हम नगर कौंसिल से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जो सरकारी इमारतों, बिजली के खंभों या यहाँ तक कि मिनी सचिवालय, जहाँ पर रोजाना सैकड़ों अफसरों और लोगों का आना जाना होता है, को भी अपनी निजी जागीर बनाकर पोस्टरों से लाद कर रख दिया है। जब इस संबंध में हमने नगर कौंसिल के उप प्रधान सरदार अमनदीप सिंह नागी व नगर कौंसिल के ईओ श्री चेतन शर्मा से बात की तो उन्होंने पोस्टर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अमनदीप नागी जी, मैं संदीप चौधरी बोल रहा हूँ News89 चैनल तो। हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन लेना चाहता सीगा भी, असि अज ना पूरे बाजारां च ते राजपुरे शहर च घूमे आ ते लोकां ने ना अपनी ऐड करन वास्ते जेड़ा हैगा ओ पोस्टर लाए हुए है जगह जगह ते, दीवारां गंदियां करी हुई है, एक अपनी ऐड करन वास्ते एक दीवार ते एक पोस्टर दी जगह 6-6, 7-7 पोस्टर लाए हुए जेड़े चंडा ग्राउंड डॉक्टर ने लाए हुए है या उड़ान आले ने लाए हुए, सारी दीवारा गंदी करी हुई है, इन्हां दे आने वाले दिनां च की एक्शन लवांगे सर? सारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करावांगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद जी नागी जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अज ना असी शहर च फेरे हैं ते ना जगह जगह इन्हें सर्कस वाले ने पोस्टर लाए हुए हैं, होर संस्थावां ने पोस्टर लाए हुए हैं, लोगों की दीवारा गंदी करी हुई है, इन्हें की कार्रवाई हो सकती है? क्या तुम परमिशन देंगे इन्हों नू लाने की या किस तरह इन्हों की कार्रवाई हो सकती है? सारी दीवारा लोगों की गंदी करती, सरकारी खंबे, सरकारी बिल्डिंग्स, पार्कों के बाहर, की कहना चाहोगे इस बारे? नगर कौंसल वालों सर्कस में सिर्फ सर्कस लाने की प्रवानगी दी जाती है, ना कि सरकारी दीवारा खराब करने की। हाँ जी, जे किसी भी सरकारी दीवार से लगे हुआ है तो असं उस कार्रवाई करांगे, जे किसी होर डिपार्टमेंट के सरकारी दीवार से लगे हुआ है तो उस लिख के देन, एफ डी साहब लिख के देन, तो असं उस बारे भी कार्रवाई करांगे। जे कोई प्राइवेट कि लगे होंगे तो वह प्राइवेट जिहड़ा मालिक है प्रोपर्टी का, वह कार्रवाई उस उन्होंने कर सकता है। तो जिहड़े होर प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह भी पोस्टर लगे हुए उन्होंने की कार्रवाई करोगे? उन्होंने जो साढ़े प्रमाण के बिना लाते हैं, हाँ जी, सरकारी बिल्डिंग का लाते हैं तो उन्होंने कार्रवाई होगी। अच्छा जी, असं सर्कस वालों का समान जब्त भी किया, साड़ी सेंट्री ब्रांच वालों वो पोस्टर ला रहे थे, दोबारा खराब कर रहे थे। हाँ जी, उन्होंने समान असं जब्त किया। ठीक है जी, तो इन्हों की जुर्माना लाओगे की करोगे? जुर्माना ही लावे, उस गल दस सख्त कार्रवाई करांगे। अगे तो ना ये करन लोकी, उस बारे की कार्रवाई करोगे? उस बारे में असं लाइसेंस भी कंस कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्हों जो पुराने मिली वो भी रद्द कर सकते हैं, जे नहीं हटन गए। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर तुसी पार्क बैठे हो रहे विकास कलोनी दे, ते बड़ा सोहना पार्क बनया हुआ है, लेकिन मैं देखा भी उरे बाहर दीवारा ते नवा पेंट भी होया, ते उरे बाहर जेड़ा दीवारा ते पोस्टर ला के चला गया कोई, तुसी उस बारे की कहना चाहोगे कि पोस्टर लाना ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है, पार्क की सारी सुंदरता खत्म होती है इस तरह। अच्छा जी,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਛੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ SDO ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखा आपने नगर कौंसिल के उप प्रधान व ईओ तो इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। क्या उन लोगों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोगों के घरों और सरकारी इमारतों की दीवारों को अपनी निजी जागीर समझकर गंदा करने में अपनी शान समझते हैं? हम शहर को सुंदर जब बना सकते हैं जब हम इसकी शुरुआत अपने घर से करें। क्या हम अपने घर की दीवार पर छह छह पोस्टर लगा सकते हैं? अगर नहीं तो इन दीवारों पर क्यों? राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।